सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार गेम प्ले वीडियो में। आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं मार्वल एवेंजर्स। और कमाला खान भाई एमी से बचकर भाग रही है, हमें एमी का सच पता चल चुका है। एमी कंपनी है भाई, उसने पूरी तरीके से एवेंजर्स को फंसाया है और उसमें पूरा हाथ डॉक्टर चार्ल्सटन का है और उसके साथ एक वो लेडी डॉक्टर भी मिली हुई है और अभी वो हमें मरवाना चाहते हैं। तो हमें जल्द से जल्द इस शहर से दूर कहीं पर जाना होगा। ये क्या भाई, रोबोट ने हमारी गुद्दी पकड़ ली है। ये पहले तू इस रोबोट से पीछे छुड़ाते हैं, जल्दी भागो। ये क्या भाई, अरे गर्दन तोड़ देगा ये तो। जल्दी पीछा छुड़ा कमाला खान, ऐसे तू नहीं बचने वाले हम। अरे ये क्या, बच गए। अभी जल्द से जल्द ऊपर चढ़ते हैं। ये तो बहुत सारे रोबोट हैं हमें कंपनी के, हमें भाई बहुत जल्दी से जल्दी यहाँ से भागो। अरे ये क्या, ये तो वो भाई टेलीपोर्टेशन वाली लड़की भी आ गई यहाँ पर, पता नहीं लड़का है कौन है ये। अबे गिरने वाले, नहीं बच गए। ये रहा, ये तो हमें भाई मार देगी यहाँ पे। नहीं, और ये क्या, हम नीचे गिर गए। उसे पकड़ दें, दूसरी बिल्डिंग पर चलते हैं। ये क्या भाई, रोबोट चारों तरफ रोबोट आ रहे हैं, दूसरी तरफ जंप करते हैं। आई थिंक पकड़ पाएंगे, नहीं मिस हो गया, हम नीचे गिर गए हैं। ये क्या भाई, अभी हम फंस तो नहीं जाएंगे। ये क्या भाई, ये लड़की तो हमें बचाने की कोशिश कर रही है, हम इसे दुश्मन समझ रहे थे। अभी इस फैक्ट्री के अंदर चलते हैं। ये रहा दरवाज़ा बंद, अभी शायद हम कुछ टाइम के लिए सेफ हैं। लेकिन अब हम घर पे भी नहीं जा सकते हैं। यूसुफ खान यानी कमाला खान के जो पिता हैं भाई, हम उन्हें भी क्या बताएं इस बारे में कि हमने भाई एमए के सर्वर हैक किए, ये किया वो किया, तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये क्या, रोबोट भाई छत तोड़ कर आ चुके हैं अब यहाँ पर। अभी हमें फाइनली इनसे लड़ना ही पड़ेगा। हम अपनी पावर यूज करते हैं अभी। ओके, ये थोड़ा ट्यूटोरियल है कैसे लड़ना है। अरे लड़ना तो हमें आता है। ये क्या भाई, हमारे मुक्के में तो बहुत कम जान है। ये रोबोट तो भाई एक ही रैपिड में तोड़ देने चाहिए हमें। ये क्या, पिच्छू से आ रहा है। ये ले, रुक। अरे ला दो हाथ मार कुछ। अरे रैपिड तो जबरदस्त मारती है। रुक जा, वहाँ पर जाना पड़ेगा। ये रोबोट थोड़ा दूर, नहीं हमारा हाथ ही बतेरा लंबा है, कानून से लंबे हाथ है भाई हमारे। ये क्या, दूसरी साइड से अभी रोबोट आ रहा है। रोबोट ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब हम थोड़ा ज़्यादा वीक फील हो रहा है। कमाला खान भाई कैरेक्टर इतना पावरफुल नहीं लगा मुझे मार्वल एवेंजर्स के अंदर, बल्कि मेरे को सबसे बढ़िया लगा आयरन मैन भाई। उसके पास एक नेक्स्ट लेवल पावर है, हल्क बस्टर है, यानी उसके पास अलग लेवल की पावर है। उसके साथ गेम प्ले करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आप नीचे कमेंट करके बताना। और भाई मतलब डोर को तोड़कर भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये रोबोट नीचे आ गया है। अरे दो ही घूसों में ख़त्म हो गया, ये थोड़ा वीक था। उन्होंने दरवाजे को काट दिया है ग्राइंडर से और अंदर घुस गए हैं। अभी हम अपनी पावर यूज करते हैं। ये क्या भाई, दरवाजे को एक रैपिड में बंद कर दिया। सही में भाई बहुत ही पावरफुल है अभी तो कमाला खान। शायद ये इसका स्पेशल मूव था आई थिंक। ये भाई लंबा हाथ, कानून से भी ज़्यादा लंबा हाथ ये मारा हमने। अब चलते हैं ऊपर। ये आ गया रोबोट, झाप थप्पड़ मारे से थप्पड़ अरे पिट गए, दूर चलो। नहीं, अरे ये रहे, ले हवा में ला, बाद में करेंगे दो बात। ये ले तू भी घूसे मारो घूसे। ये बढ़िया है, अब की बार तो भाई कुछ ना कुछ इसने दिखाया कमाला खान ने अपना दोस्त। अरे तू आ जा, तेरे को भी दिखाते हैं हम। अरे सिलेंडर पड़ गए, धमाके वमाके करती भाई, मतलब उछलती कुछ ज़्यादा करती है कमाला खान, लड़ती कम है। ये रहा ख़त्म, हमने मैक्सिमम रोबोट्स को यहाँ पर निपटा दिया। अभी हम यहाँ से निकलते हैं। ये सही है, अभी हमारा पीछा छूटा आई थिंक रोबोट से। और अभी चढ़ते हैं भाई इस बस में और हमें अपने पिता को बताना पड़ेगा कि हम नहीं आ रहे हैं, मतलब घर पर हम कहीं जा रहे हैं। वो ट्रिप थी स्कूल की, उस ट्रिप का बहाना दे सकते हैं हम उनको। शायद हमने अपनी सिम को तोड़ दिया है ताकि भाई एमए हमें लोकेट ना कर पाए। तो अभी हम बस में चढ़ते हैं और चलते हैं भाई उसी लोकेशन पर जहाँ पर काइमेरा है, यानी एवेंजर्स का शिप जहाँ पर लास्ट टाइम पे ब्लास्ट हुआ था। तो ये एमए सोसाइटी का सर्वर है यहाँ पर, मतलब एमए सोसाइटी का मेन हेडक्वार्टर। ये सुपर हीरो को खत्म करने की भाई पूरी तैयारी कर रहा है, मतलब सुपर हीरो को मिटाकर ऐसी पावरफुल लोगों को क्रिएट करना चाहती है एमए सोसाइटी, यानी ऐसे रोबोट्स को जो सुपर हीरो की जगह ले सकें और सभी को मतलब सुपर हीरो की जरूरत ही ना पड़े। और ये बहुत ही खतरनाक है,
इन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा है इतनी आगे बढ़ने के लिए। प्रोग्रामेबल पावर अंडर आवर कंट्रोल, नो मोर हीरोज, नो मोर मिस्टेक्स। ये सोच रहे हैं अगर हीरो नहीं हीरो हैं तो मिस्टेक्स होती हैं, और हीरो नहीं होंगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी और हम पूरी तरीके से सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे। और इसी वजह से भाई ये सब कुछ यहाँ पर हंगामा हुआ, और कैप्टन अमेरिका को भी इसने चार्ल्स टन नहीं मारा। तो अभी इसे कोई इंजेक्शन लगाने वाली है ये डॉक्टर। और भाई चार्ल्स टन का खोपड़ा भी बड़ा हो गया, पता नहीं भाई इसको क्या हो गया, कुछ बीमारी बीमारी है इसको शायद। तो अभी हमें देखना पड़ेगा और ये दवाई लो घुसाने वाली इसके हाथ में, कौन सी दवाई है पता नहीं। लेकिन इससे डॉक्टर चार्ल्स टन को भी सुपर पावर मिल जाती हैं, और उन सुपर पावर से पता नहीं डॉक्टर चार्ल्स टन क्या कर सकता है अभी। लेकिन इसका खोपड़ा बड़ा हो गया है, अभी ये लगाने वाला है दवाई। ओके, तो ये बोल रही है ये सीरम है, ये थोड़ी स्टेबलाइज है, बाकी दवाई मतलब जो सीरम से उनसे बेटर है। इसके पास अजीब सी पावर आ गई है, आई थिंक ये इलेक्ट्रॉनिक्स को कंट्रोल कर सकता है, यानी जितनी मशीन्स हैं रोबोट्स हैं उनको कंट्रोल करने की इसके पास पावर है अपने माइंड के थ्रू। दिस इज इनक्रेडिबल भाई, काफ़ी हॉरिफिक लग रहा है ये। फाइनली हम शायद एक लोकेशन पर पहुँच गए हैं, ये शायद कोई गैस स्टेशन है। यहाँ पर हम उतरते हैं और बात करते हैं उसके कमाल खान के फादर से कि हम नहीं आ सकते हैं, हमें किसी इम्पोर्टेंट जगह पर जाना है। कॉल पर बात करते हैं उनसे, यूसुफ खान से। सो हमारे पास भाई वो पेन ड्राइव है, हमने डाटा भी किसी एवेंजर को या किसी को नहीं दिया है, तो अभी हम प्रॉब्लम में, हमें भाई उस डाटा को कैसे भी लोगों के सामने लाना है। लेकिन अभी बात करते हैं हम यूसुफ खान से। सो कॉल करते हैं, सिक्का डालते हैं। ये भाई ओल्ड फ़ोन बूथ होते हैं, बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि हमने अपना फ़ोन तोड़ दिया था ताकि हमें लोकेट ना कर पाए। सो भाई रिंगटोन जा रही है। You have reached Yusuf Khan. Yusuf Khan ने कॉल नहीं उठाया है तो हमें अपना मैसेज छोड़ना पड़ेगा, तो हम भाई उन्हें नहीं दिखा सकते हैं कि हम किसी प्रॉब्लम में हैं। तो हम बता रहे हैं कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ एक मतलब ट्रिप वगैरह पर गए हैं और हम अपना फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हैं, और वहाँ पर कोई लड़के वड़के नहीं है, तो इसलिए हम एक या दो हफ्ते के लिए नहीं आने वाले हैं। तो हम ये बात यूसुफ खान को बता दी है, और आई थिंक अभी वो शायद इस हिसाब से थोड़ा सेफ फील करेंगे कि हम ठीक हैं। और काइमेरा की तरफ हम जाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस ये छोटी सी शॉर्ट मतलब ये ज़्यादा छोटी भी नहीं थी, लेकिन ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना, और ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।